हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड के ऊपर। इससे हमारे साथ जो लिंक है, पेरेंट्स, बीपी, बच्चे, कलीग्स, उनके ऊपर क्या पॉजिटिवनेस डालता है और क्या नेगेटिवनेस डालता है, आप लोग को सबको पता है। लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है, चैलेंजेस होता है, वो कभी भी एंड नहीं होगा। वो तब एंड होगा जब आदमी का लाइफ ही एंड हो जाता है। हम लोग सब बोलते हैं हमारा ये जो एटीट्यूड हमारे पास प्रेजेंस है, उसके लिए हम ब्लेम करते हैं हमारा परिस्थितियाँ और प्रॉब्लम के ऊपर। ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारा प्रॉब्लम जो भी हो, हमारा एटीट्यूड हमारे ऊपर ही डिपेंड करे, हम कैसे बिहेव करेंगे। मैं आपको 3 छोटी एग्जांपल बताऊंगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एटीट्यूड आपके लिए राइट है। फर्स्ट वन, बीन्स। आप बीन्स ले लीजिए, बीन्स को पानी के साथ 15 से 20 मिनट गर्म कीजिए। अब देखना 15 मिनट के बाद वो टूट जाता है, अंदर से टूट के बिखर जाता है। उसी तरह आदमी का लाइफ में भी प्रॉब्लम और चैलेंजेस आता है। हाँ, अगर ये बीन्स का एटीट्यूड जैसा हमारा एटीट्यूड लेंगे कि हम अंदर से टूट जाएंगे, टूटने के बाद हमारी नेगेटिविटी हो जाएगा, हमारा माइंड। और पता है हम लोग सब क्या करते हैं, अगर एक्सेस हो जाते हैं तो सुसाइड कर देते हैं। स्टूडेंट अगर मार्क अच्छा नहीं लाया, सुसाइड कर देते हैं। एंटरप्रेन्योर सक्सेस नहीं बन पाया, स्टूडेंट सुसाइड कर देते हैं। कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होकर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, सक्सेस नहीं हो पाया, सुसाइड कर देते। इस तरह एटीट्यूड हमें नहीं लेना है, अंदर से बिखर नहीं जाना। अगर हम सुसाइड कर दिए, हमारे साथ जो लिंक है, जैसे मैंने बोला पेरेंट्स है, बीबी, बच्चे, कलीग्स, जो हमारे साथ लिंक है, हमें कौन राइट दिया है कि उनको भी परिस्थितियां उसी को नेगेटिव डाल के हम चले जाए ऊपर। ये हमारे लिए और उनके लिए सही नहीं, ये दिस एटीट्यूड इज रॉन्ग। तो आपको ये एटीट्यूड एक्सेप्ट नहीं करना। सेकेंड एग्जाम्पल, आप पानी के साथ वही सेम चीज है 15-20 मिनट अंडे को बॉइल कीजिए। वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। था तो सब गर्म करने से पहले, गर्म करने के बाद वो हार्ड हो जाता है। उसी तरह अगर हम प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आए, हम अंदर से रूड हो गए, हार्ड हो गए, तो हम क्या बच्चे के साथ जब बात करेंगे, वो कुछ उसका शेयर करने के लिए आया होगा, तो हैप्पीनेस हम उसका हमारा रूड के वजह से उसका हैप्पीनेस भी खत्म हो जाएगा। पेरेंट्स के साथ भी वही होगा, बीबी बच्चे के साथ भी वही होगा, कलीग के साथ भी वही होगा। तो ये एटीट्यूड रॉन्ग है कि हम अपना प्रॉब्लम, हम अपना ना सक्सेस के वजह से, हमारा वजह से दूसरा का हैप्पीनेस को हम खत्म कर दें। ये एटीट्यूड रॉन्ग है। तो ये एटीट्यूड हमें हमारा अंदर बिल्ड नहीं करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देन नेक्स्ट वन इज, आप सुबह चाय पीते हो, ऑफिस में भी चाय पीते हो, जब भी मूड ऑफ होता है चाय पीते हो, प्रॉब्लम होता है चाय भी पी लेते हो कि थोड़ा चाय पियेंगे तो सही रहेगा दिमाग, तो आप चाय इसलिए पीते हो। चाय का एटीट्यूड क्या है, सेम पानी के साथ 15 मिनट को भी गर्म किया जाता है, लेकिन वो क्या करता है, उसका जो कलर है और खुशबू है वो स्प्रेड करता है। उसका कलर में, वो वाटर को कलर में कन्वर्ट कर दिया और उसका खुशबू से हमें अच्छा लगता है। हमें इस तरह का एटीट्यूड लेना चाहिए कि प्रॉब्लम जो भी हो, हमें चाय पत्ती बनना है। हमारा प्रेजेंस उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना रह के एक अपॉर्चुनिटी में ही कन्वर्ट कर दे, और हमारा प्रेजेंस हमारा फैमिली, पेरेंट्स, सबके लिए हैप्पीनेस बन जाए। हम दुनिया के लिए एक आदमी है, बट हमारा फैमिली के लिए हम पूरी दुनिया है। तो हमें ये थर्ड एटीट्यूड को ही एक्सेप्ट करना है। आप लोग सब कभी ना कभी किसी को तारीफ किए होंगे जो हैप्पीनेस में भी क्लाम रहता है, सैडनेस में भी क्लाम लेता है, तो उस बंदे को हम दिल से रेस्पेक्ट देते हैं। क्यों, कि उनका वो जो एटीट्यूड है ना, सबके पास वो एटीट्यूड नहीं आ पाएगा। ये इजीली एक एटीट्यूड वाला नहीं है, चाय पत्ती वाला एटीट्यूड एक इजी एटीट्यूड नहीं है। फर्स्ट सेकंड वन इज इजी है, आपको जैसे पता है ना, जो महंगा होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा लेट होता है। ये इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, आपको ये बिल्ड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम जो भी हो, आपको चाय पत्ती बनना है, आपका प्रेजेंट से खुशबू और कलरफुल बनना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 3 एटीट्यूड बता दिया। आप अभी किस कैटेगरी एटीट्यूड में है, प्लीज कमेंट्स कीजिए, और आप किस कौन सी कैटेगरी में जाने चाहते हैं उसके लिए कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।